अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। रिसेंटली आईटेल यूजर की जो प्राइवेसी हैक हुई है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेके सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक फॉलो कर दें। और अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिन ब दिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हैकिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के 25 लाख आईटेल यूजर का डाटा हैक किया गया। और उस डाटे में क्या क्या हैक किया गया ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं साइट पे, मैं आपके साथ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या डेटा हैक किया गया और कौन कौन सी चीज़ हैक की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें हमारे मोबाइल नंबर्स, हमारे नेम, हमारी पेरेंटेज, हमारा रेजिडेंट, इवन के हमारा आधार कार्ड नंबर भी शेयर किया गया। वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे अपलोड किया गया हैकर्स के द्वारा। ये जो हैकर्स की टीम है रेड रैपिड के नाम पे, ये एक टीम है हैकर्स की, उन्होंने डेटा हैक किया। और उसके बाद उन्होंने आईटेल टेलीकॉम को ये अप्रोच किया और वहां उनसे इन्होंने 3500 BTC यानी कि बिटकॉइन डिमांड किए कि आपका डेटा हमने हैक कर लिया है और ऐसे आप हमें 3500 BTC दें और आपको आपका हैक हम आपका ये डाटा जो है हम कहीं आपके कस्टमर का हम पब्लिश नहीं करेंगे। बट वहाँ उन्होंने सोचा शायद कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन जब हैकर्स ने ये सारे स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर किए, ये जो उन्होंने डाटा हैक किया था, उसके बाद भी ये सारी बात जब नहीं बनी तो फिर उन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया हैकर्स ने। और उसमें वो बता रहे हैं कि ये जो मामला है ये दिसंबर से आईटेल जो टेलीकॉम कंपनी है उनसे इनका रब्ता हो रहा था इस चीज़ के बारे में। अब जो एक आईटी एक्सपर्ट हैं राजशेखर, उन्होंने अपनी रिसर्च में और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये स्क्रीनशॉट वीडियोस ये सारा कुछ शेयर किया है। मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने ये सारा कुछ बताया कि हमारी प्राइवेसी किस तरह हैक की जा रही है। अब अगर हम इस पे बात करें कि अगर हमारी प्राइवेसी चली भी गई तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि ये जो डाटा हैक किया जा रहा है ये वो किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन हम देखें कि वो मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम ट्रू कॉलर्स की बात करें, जैसा कि आप ट्रू कॉलर्स जानते होंगे, बहुत सारे नंबर लगाए और वहाँ आप चेक कर लेते हैं, लगभग 50% ट्रू कॉलर्स कभी कभी सही भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये ट्रू कॉलर्स आता कहाँ से है, इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आती है कि लोग ऐसे ही वेबसाइट्स को डाटा बेच देते हैं और जिसके बाद वो उस डाटे को यूज़ करके, हमारे डाटे को यूज़ करके और वो अपना फ़ायदा कमाते हैं। और भी बाकी इसका मार्केटिंग पर्पज़ है इस डाटे का। लेकिन अगर हम देखें जाए तो आज कोई भी चीज़ जो है इंटरनेट पे है वो तो पहले हम देखें सिक्योर नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कि एक फेमस कोट है, कोटेशन है कि जिसमें एक इंटेलेक्चुअल ने बताया है कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन इंटरनेट इज हैकड बाय ग्रेट हैकर्स। तो डैट मीन्स कि अगर हम देखें कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो चाहे इन चीज़ों को चेक लगा सकती है। फॉर एग्जांपल हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, रिसेंटली जब व्हाट्सएप का मसला हुआ, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी चेंज की और उन्होंने व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए नहीं थी, बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए थी। क्यों? अब वेस्टर्न कंट्री के लिए क्यों नहीं थी? क्योंकि जो हमें एक्ट दिया गया है राइट टू प्राइवेसी एक्ट, लेकिन वो पेपर्स पे तो है लेकिन उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो रहा। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इस तरह डे बाय डे हैक हो रही है और डे बाय डे लीक हो रही है। तो लेकिन वहाँ देखें तो वहाँ ये चीज़ प्रैक्टिकली भी अप्लाई की जा रही है।
तो इस बात को अगर हम लेके चले तो ये बात समझने की है कंपनी का इस पे क्या रद्द अमल रहा। कंपनी तो बिल्कुल डिनाई कर रही है, वो मान ही नहीं रही है कि हमारा डाटा ऐसे हैक हुआ है। लेकिन अगर हम इस वीडियो को लेते हैं या राजशेखर के जो ट्वीट्स हैं उनको लेते हैं तो हमें वहां से कंफर्म हो जाता है कि ये डाटा हैक हुआ है। और अगरचे वो डाटा प्रेजेंटली वो अवेलेबल नहीं है वेबसाइट्स पे, वहाँ गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगर हम फिर भी देखें डाटा अभी भी उनके पास अवेलेबल हैं, वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन फ्यूचर वो किसी को भी बेच सकते हैं। कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें इंश्योर किया जाए हमारा डाटा सिक्योर है। और अगर हम देखें कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी है जो इनको पकड़ सकती है और हमारे डेटे को सिक्योर कर सकती है और हमारे डेटे को सही जगह रख सकती है। तो हम देखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पहले ऐसे ही कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। कोई भी बहुत सारी हैं, वो मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस अब आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें, उनको भी इन्फॉर्म करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट हुआ, आपको देख के इस वीडियो को देख के कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप इसको लाइक कर दें, बाकी लोगों तक शेयर कर दें। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।